राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश एवं चंद्रकांति रमावती देवी आर्य कन्या महाविद्यालय एवं संस्कार भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पूर्वांचल में क्रांति की ज्वाला विषय पर 5 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन कॉलेज परिसर में किया गया। कार्यशाला में छात्राओं को स्वतंत्रता की प्राप्ति की संपूर्ण यात्रा का सजीव चित्रण करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर कॉलेज की प्रबंधक डॉक्टर विजय लक्ष्मी मिश्रा, डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, कार्यशाला की शिक्षक ममता श्रीवास्तव केतन, डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव, डॉक्टर ज्योत्सना त्रिपाठी, डॉक्टर सुमन सिंह, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, डॉक्टर अरुणा मणि, डॉक्टर प्रियतोष मिश्रा सहित अन्य शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रशिक्षक ममता श्रीवास्तव केतन व डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने कहा, वस्तु जो भी लेके चले उसमें संयोजन आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि पेपर के चारों ओर बराबर जगह छूले और कलर संयोजन भी बैलेंस होना चाहिए। कलर भरने के पहले हम फाइनल करेंगे। जो भी आपने बना लिया है उसको पहले स्केचिंग करिए। स्केचिंग उसकी अच्छी हो रही है उसके बाद फिर दिखा लीजिएगा। ऐसा ना हो पहले ही कार्यशाला है ना, आपको कुछ भी गलत सीखिए, पूछिए, पूछेंगे तो आपको हम जो भी एडवाइस होगा हम देंगे। ये नहीं कि जो आपकी इमेज है उसको आप अगर पहले ही से उसको डार्क कर देंगे तो फिर हम लोग को समझाना मुश्किल हो जाएगा। ये कार्यशाला में इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए कि पेंसिल हल्की चलाइए, ठीक है। हल्का पेंसिल रहता है तो कलर करने में आसानी रहता है। और कभी भी ये कुछ भी फोर भी वगैरह से नहीं करना, आपको पता ही होगा कि खर्च में से हमेशा की जाती है। और जो भी कंपोजिशन बनाई जाती है उसकी पूरी ड्रॉकिंग देख ली जाती है कि कैसे हम बनाना है और कैसे उसकी डिजाइनिंग करनी है। पूर्वांचल की क्रांति ज्वाला पे आधारित विषय है, उस पर पेंटिंग ये बच्चे बनाएंगे, जिसमें यहाँ हमारी प्रशिक्षिका ममता केतन जी हैं जो यहाँ बच्चों को प्रशिक्षित करेंगी पूर्वांचल की क्रांति के विषय पे, फिर रेखांकन के माध्यम से, कलर के माध्यम से जो भी है प्रशिक्षित किया जाएगा। कितने दिन चलेगा ये? 4 दिन कार्यशाला चलेगी। कितने बच्चे इसमें शामिल? इसमें करीब 40 बच्चे प्रतिभाग किए हैं। बच्चों को सर्वप्रथम तो विषय वस्तु बताया गया है, उस विषय वस्तु पे इनको बताया गया है कि उनके कॉम्पोजिशन कैसे होने चाहिए, रंग संयोजन कैसे होने चाहिए और क्रांतिकारी विचार की अगर पेंटिंग बन रही है तो उसमें रंग संयोजन कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें समझाई गई। कितने दिनों के अंदर बच्चों को जानकारी दी जाएगी? ये 5 दिनों का शिविर है, आज 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगी। इस बीच बच्चों को जानकारी दी जाएगी और अंतिम दिन इनके जो कलाकृतियाँ होंगी उनका एग्जीबिशन लगाया जाएगा। तो क्या सम्मानित भी करेंगे, कोई प्रतियोगिता टाइप का भी? नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं है, सभी यहाँ सीखने आए हैं और सीखेंगे।